हेलो गाइस, क्या सब सभी लोग, आज हम दोबारा खेलेंगे माइनक्राफ्ट। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था ये लाइटर लेकर मैं सीधा निकलने चला गया था, पर एक चीज तो मैं भूल ही गया था कि हमने ड्रैगन हेड ही नहीं लिया था। वाह भाई, तालियां बजनी चाहिए हमारे लिए। तो आज की वीडियो में हम ड्रैगन हेड ले लेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप सोच रहे हो मैंने डायमंड का हेलमेट क्यों पहना है, क्योंकि टूटने वाला है ना, इसलिए मैंने डायमंड का हेलमेट पहना और वापस मैं इधर आ गया। इधर से कुछ डेकोरेशन का सामान भी ले लूँगा इधर से। अब चलो छोड़ के ये लाइटर पहन लेते हैं। ओ भाई साहब, ज़्यादा हो रहे हो। अब चलो गाइस, इसे तोड़ दे के अपने, यार इन्वेंट्री नहीं थी तो मैं इससे एंड सैंडस्टोन को फेंक देता हूँ, फिर हवाई जहाज़ में पहन के उड़ते हैं। चलो देखते हैं कहाँ गिरा हो, कहाँ गिरा वो। नहीं भाई मत मार। तो गाइस, मैं जिधर मरा था मैं उधर आ गया हूँ दोबारा से। अब मैं इधर से सामान ले लेता हूँ अपना और पहन भी लेता हूँ, और ये जैकेट, ये सब सारी चीजें हैं मेरे पास, लाइटर भी। अब चलो इधर ये भी लेना है। अब तो मैं एंटरमेंट के आंखों में एकदम नहीं देखूंगा और चलते रहता हूँ, चलते रहते हैं। ये कोरस फ्रूट नहीं लिया यार, और ये एंटरमेंट गुस्सा पगला चुका है। कोरस फ्रूट मेरा, कोरस फ्रूट, यस कोरस फ्रूट तो ले लिया। अब मैं वापस ऊपर चलता हूँ। मैं मरते क्यों रहता हूँ ये नहीं समझ आता मेरे को। अब चलो ढूंढते बाहर जाने वाला। तो गाइस, एंड सिटी में आए हैं तो थोड़ा चोरी कर लेते हैं। ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ये ले लेता हूँ। ले लिया तेरे क्या बे, ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। हाँ हाँ, मर गया, मेरे को नहीं पता किसने मारा उसे। वापिस नहीं मरना चाहते इसलिए लाइटर पहन के उड़ेंगे हम लोग। इधर तो मैं आ गया हूँ, पता नहीं मैं मरता क्यों रहता हूँ मतलब। और एंटरमैन भी पगला चुका है। अभी पहले पेट पूजा कर लेते हैं, फिर भी था ना तो क्या करें। तो गाइस, मैं बोल रहा था इधर से अब मैं आपको बाहर जाके मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस, इतने देर भटकने के बाद मेरे को मिल गया जिधर से हम जाते थे। और मैं जब इधर आया तो मेरे को और अपनी सामान मिली, जैसे बकेट और दो तीन कोरस फ्रूट बाकी रह गए थे। एंटरपल, अब कठिन काम आया। अब मैं इसका ऐसे बना लेता हूँ जिससे कि ना गाइस, इसे एंटरमैन जब मेरे पे अटैक करेंगे ना तो मैं उनको मार पाऊँ पर वो मुझको ना मार पाए। यस गाइस, आप लोगों ने भी कई बार ये मनाया होगा एंटरमैन के पंगा लेने से पहले। एंटरमैन से पंगा लेना है तो उनके आंखों में आंखें डालो। और को बुलाओ भाई, आओ आओ आओ, अब मैं खुद बुला रहा हूँ। मैं तो भूल ही गया था इन लोग डायरेक्ट उठा लेते हैं, कोई बात नहीं। इतनी ज़्यादा डर लगाई है ना बेटे, तो सोचते सोचते रह जाएगा। अरे इन लोग डायरेक्ट उठा रहे हैं जिससे कि जब मैं इन्हें मार रहा हूँ ना तो ये डायरेक्ट ड्रॉप कर रहे। बस एक एंटरमैन बाकी था ना।
तेरे को डांट नहीं लेने दूंगा मैं। आजा आजा, तू बस डर मत उठा लेना भाई, तेरे से बहुत उम्मीद रखी है, डर मत उठाना बस। कुछ तो है भी नहीं मेरे पास फेंकने लायक, चलो बकेटी फेंक देते, थोड़ी ना 100 जन्मों के बाद मिलती है, कहीं भी मिल सकती है बकेट, इजीली है बकेट मिलना। तो अब मैं इधर से निकल जाता हूँ, इस खड़ूस सी खटारा से जगह से। यस फाइनली अब मैं घर जा पाऊँगा, इतनी देर के बाद मैं घर जा पाऊँगा। और मैंने अपना वो बेड भी तोड़ दिया है, इधर जब मैं मरा था तो मैंने बेड भी तोड़ दिया था, जिससे कि मैं उधर स्पॉन ना हो जाए और इतना भागा दौड़ी ना करना पड़े मुझे। इतना खुश हूँ मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। तो चलते हैं, ये मैं पहुँच गया अपने घर पे। यस 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 पहुँच गया, इतना टाइम क्यों ले रहे हैं भाई, जल्दी पहुँचे, इतने दिनों के बाद अपना घर देखूँगा मैं, जल्दी जल्दी यार, बिल्डिंग ट्रेन कुछ भी हो, जल्दी पहुँचा जल्दी पहुँचा जल्दी पहुँचा बे, मुँह तोड़ दूँगा, जल्दी पहुँचा माइनक्राफ्ट, प्लीज जल्दी पहुँचा दे। मैं आ गया, ये एक सेकंड गाइस, किस रास्ते जाना था मेरे को याद भी नहीं है, तो चलो तभी भी अपने घर पे तो पहुँच के रहना है, इतना सफ़र तय कर लिया है तो अपने घर पे भी पहुँच ही जाएंगे। इतना लैग क्यों हो रहा है गेम, ये नहीं समझ आ रही, इतना लैग क्यों हो रहा है गेम, हाँ लैग क्यों हो रहा है तू गेम, अब पानी में गिर गया। वाह, अब मेरे को ये सब नहीं, फिर मेरे को अपना घर जाना है, मेरे को घर जाना है। हाय शिव दोस्त, इतने इतने दिनों के बाद ये एनिमल्स को देख रहा हूँ, मारने को मन कर रहा है, अब जल्दी से जाते हैं अपने घर पे, चलो जल्दी से जाते हैं। चल यार यार थोड़ा पैर चला। तो गाइस अगले वीडियो में हम अपने घर जाएंगे, तो मैं विलेज में पहुंच चुका हूँ एक, तो इधर ही मैं रुक जाता हूँ। तो गाइस तब तक के लिए बाय।